दक्ष कहते हैं द्वैत और समस्त देवता भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़ के खड़े भाई प्रभु राजा दक्ष को कैसे जिंदो करवाने की यज्ञ पूरी है जाए। जीवन में कभी यज्ञ अधूरा नहीं रहना चाहिए, यज्ञ में बाधाएं भी आती हैं, हमेशा सत्युग से लेकर कलयुग तक यज्ञ में बाधाएं आई हैं, लेकिन यज्ञ हमेशा पूरा होना चाहिए। तो भोलेनाथ ने कही यज्ञ पूरे को आए हो, अब बाऊद ने विचार कर लो, तादिन सब सच सज के जा रहे के लाओ इन की ससुरारे नहीं चलो, तादिन का उन्नीस सोची प्रभु गलती है गई कैसी क्षमा करो। राजा दक्ष अब दक्ष के जिंदे की बात तब आई तो शिवजी विचार कर रहे हैं कि सती कह गई है कि अंग भंग हो, जिंदो होए तो अंग भंग हो, तो उनकी देवता जिंदा चाहते हो कहा, तो फिर एक काम करना होगा कौन सा, अरे तुम उत्तराखंड परीक्षित जी बकरा ही क्यों मंगवाया और क्या जीव नहीं थे, बकरा इसलिए मंगवाया कि सोई तो मैं राजा दक्ष में ही कि जब दुनिया में जो कछु सो और बे मैं होते बकरा में मत मत जावे पर मैं नहीं जावे ही। हैं सोता बंधु बकरा को मंगवाया और गर्दन कटवा करके जब दक्ष के धड़ से जोरी भोलेनाथ की अनुकंपा से दक्ष महाराज जिंदा तो भय खड़े हु भय पर कंधा ते नीचे तो बेई शरीर ऊपर मुंह है गो बकरा गो सो भीतर ते कछु कई वो चाहते पर वो बात नहीं निकली जो पहले निकलती निकली तो निकली क्या आज भी निकलती है वो कब जब कावर भर के आती है तब कैसे अरे बम बम और यटल बम देखी बम बम और बम लहरी बम बम और यटल बम देखी बम बम और बम लहरी अरे मीऊ जीव और तू ब्रह्म देखी यटल बम और बम लहरी मीऊ जीव और तू है ब्रह्म देखी आज देखा हो तुमने जो कावर भर के लाते हैं वो बीच में बम बोलते हैं दोहा बोल के तो ये बम सबसे पहले राजा दक्ष ने बोली दक्ष से पहले किसी ने नहीं बोली अब बोली का पे बस ही वो ऊपर मोह बकरा को होगा उसे बम ही बम लेकर ही और कुछ आई है तो ध्यान करें आज तुम कावर भरने जाते हैं लोग भरवैयन की उम्र देखी है तुमने 16 साल 18 साल 20 साल अबे गिनती और बताते हैं कि हम जी पांचवी बार लाए हैं और उन तीनों पूछो कि काबर पांचवी बार भर लाए हो काउ देना बाप के तय बांटी भरी है मैं तारी एक गिलास पानी पिला दो है। तो ध्यान से सुनो नौजवान बच्चे हो जिसके माता पिता मौजूद हों भाई काऊ कावर लावे की जरूरत नहीं है और तुम कावर चाहे 21 भर लियो महतारी या पानी पिलाया नहीं बाप को बाल्टी भर के नभाया नहीं लाल पेंशन ते 00 रिजल्ट मिले हो तो फिर पान में फलक डाले भी तो मतलब वही कहा भजे डोलो। जब तक माता हो घर में सबसे बड़ा तीर्थ वही है एक परिक्रमा दे दो लोटा भर के पानी पिया दो गोवर्धन को परिक्रमा लगो पूरे को पर जाए कोई करवे तैयार ना कल ब्याह हो घर वाइए लेके बेसड़ो देवी गए
मेहताई बैठी है गर्म पानी के तरह प्यासी। तो सबसे पहले कर्म पे आइए। भगवान कृष्ण ने गीता के उपदेश में कहा है कि कर्मण्य बाधकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करिए फल की इच्छा मत करो। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचना का, और अंग्रेजी में कहावत आती है वर्क इज वर्स, कर्म ही पूजा है। सबसे पहले कर्म पे आइए। तो उस समय महाराज दक्ष का रूप जो था बदल गया, क्योंकि सती कह गई थी अंग भंग हो, यज्ञ पूर्ण हुआ। अब भोलेनाथ वहां से चले तो भोलेनाथ ने वो जली हुई काया हाथों पर उठाई है, दोनों हाथों पर सती की। यही प्रसंग बच्चों ने देखा होगा मोबाइल पे, जो भोलेनाथ हाथों पर सती को रख के घूमते रहे घूमते रहे। अब न पानी पिए, न भोजन करें, न कहूं ठहरे। जटाएं पृथ्वी पर खिचर रही थी, भयंकर भेष बन गया था। तो सब देवता विष्णु भगवान से बोले कि प्रभु अब शिव जी को रूप हम पे तो देखो ना जाता, इतना गम था उन्हें। अग्नि के जब फेरे लिए जाते हैं, जिन जिन के ब्याह आए गए उन्हें सबन वाले में, दोनों तरफ के ब्राह्मण लड़का पे और लड़की पे अग्नि के ऊपर हाथ करवाते हैं। ध्यान करो जिन जिन के ब्याह भरे हुए और अग्नि के ऊपर हाथ करवा के तब कहते हैं कि दोनों कसम खाओ आज तक सुख में दुख में बराबर के साथ जियो। काय में सुख में और दुख में बराबर के साथ जियो। किस्म दोनों ही खा जाते हैं, फिर बाद में निभाई जाते हैं। देखो निभ तो जाए पर मामे को बना हुआ है। जहां पढ़ाई लिखाई की कमी है, शिक्षा की जहां कमी है, ये वहां नौबत आती है सामने कि काउतरे तो बउआ बुखार आ जाए और लड़का ने एक गिलास पानी भर के बउआ दे दो भीतर डोकरी पूरे मोहल्ला में डोलिया हमारी तो अम्मा बना लीए। विचार करना, लड़के के अगर सिर में दर्द हुआ और बहू ने एक दवाई लगा दी तो डोकरी का कह डोल नहीं मालूम चाची तो वही हो कहा है ये तुम्हें मालूम ना है हमारे यहां तो ये हमारे कहा वो हमारे तो बाई के भाओ। ये बात क्या है, गाड़ी के दो पहिए होते हैं, गाड़ी एक पहिए से जब फंस जाती है कीच में देखना, ट्रैक्टर अगर फंसे तो दूसरा पहिया जो कोशिश करता घूम के बाई के मांगू। तो हमेशा गाड़ी के दो पहिए होते हैं पति और पत्नी, सुख में दुख में बराबर की किस्म। तो बाई दिन दे आए हो आग के ऊपर हाथ रखें तो फिर पीछे का भी हट रहे हो आज। ध्यान रखना, महाभारत में लेख आता है कि जिसमें द्रौपदी पैदल चलने में असमर्थ हो गई थी, चला नहीं जाता था, तो पति तो बेहुए, तो जैसे में द्रौपदी ने कह दिया था कि पति मेरे अबना गैल चलो जाए मुंह पर। धरती पर जिस समय गिर गई थी द्रौपदी, उस समय पवन पुत्र भीम ने द्रौपदी का हाथ पकड़ के उठा के कंधा पर बैठाया था। विपत्ति में जब चला नहीं गया तब तो जोड़ीदार तो जोड़ीदार होता है, मुसीबत में साथ देने के लिए कसम खाई जाती है वहां। तो आज वो भोलेनाथ उसे हाथों पर रख करके घूमते रहे और सती को देख देख करके रोते। भगवान विष्णु विचार करते हैं कि जब तक यह जली हुई काया हाथों पर रहेगी तब तक शिव जी का मोह भंग नहीं होगा, नहीं होगा। और ये बात आज भी है, देख लेना तुम, अगर किसी की मृत्यु हो और वो मुर्दा जितनी देर तक घर में रहता है तब तक पीर कितनी आती है, और जब वो मुर्दा मरघट तक पहुंच जाता है तो दर्द आधा रह जाता है। वही शिव जी आज हाथों पर लिए घूम रहे हैं और इधर भगवान विष्णु चक्र सुदर्शन हाथ में उठाते हैं। चक्कर उठाया, भोलेनाथ को पता भी नहीं चला, पता भी नहीं चला। और कर्म कौन सा किया, अरे तब चक्कर लयो है उठाई, अरे तब चक्कर लयो है उठाई, ओ ताकन चोट पड़ी पाइन पे पैर काट की तय उड़ाई धो
उजाला की बन जाई। ध्यान रखना, इसी बीच में व्यासपीठ के माध्यम से 200 रुपए का पुरस्कार हमारे रामवीर सिंह दरोगा जी ने दिया है। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे। आपने देखा होगा ज्वाला जी का जो मंदिर है, यह विद्वानों का मत है कि उस जगह पर सती मैया के नेत्र गिरे थे, आंखें। अगर कोई दर्शन को गए हो तो वहां एक छोटी सी पर्वत की गुफा में से अपने आप अग्नि जलती है, न कोई तेल पड़ता है न कोई बाती जलती है। विदेशी वैज्ञानिक तक हार गए कि आगे हाथ कांपते हैं। बताओ, बिना तेल के, बिना घी के, बिना बाती के कहीं जलेगी ज्योति? लेकिन वो ज्वाला जी के मठ पर ऐसे ही जल रही है अपने आप भीतर से। ये साक्षात देवी देवताओं के प्रमाण आज तक मौजूद हैं, जिसे इस कलयुग के समय में कुछ लोग मनगढ़ंत बताते हैं। जल की धारा गंगा जी की तुम्हारे सामने प्रमाण है। एक बोतल में पानी भर के बम्मा में तुम धर दियो और 6 महीना बाद देख लियो बाबू का हो गए हो, और गंगा जल को भर के रख दो तुम 100 साल धरोहर में, क्या है? आज चक्कर घूम रहा था मैया के शरीर में, क्या उधर काटी दो जब चक्कर से ताको तीनों मथुर चबाई वैष्णो देवी धाम बनोए जनता सब दर्शन पूजाई। अरे बाई की अजु है रही पूजा सोई बन गई बेलोन भवानी। बोलिया दुर्गे मैया की। चक्र सुदर्शन से 9 खंड कर दिए, 9 टुकड़ा कर दिए शरीर के। भोलेनाथ जे मालूम नहीं पड़ी, खाली हाथ कब रह गए। बहुत दूर तो खाली हाथ चले, देख लियो मोबाइल पर निकाल के, पता ही नहीं चला 9 खंड हो गए थे। वही आज 9 देवी के रूप में पूजा होती है। श्रोता बंधुओं, एक ताड़कासुर नाम का दैत्य था। ताड़कासुर देवताओं से संग्राम होता था और व्यासपीठ के माध्यम से 100 रुपए का पुरस्कार माताजी की तरफ से है। परमात्मा से विनती करते हैं कि ऐसे बुजुर्गों की छत्र छाया हमेशा औलाद पे बनी रहे, जितने दिन ज्यादा बनी रहे उतना ही लाभ ज्यादा है। ध्यान से सुने नौजवान बच्चों से। देखो, मैंने कल भी कहा था कि बेटा हमेशा बुजुर्गों का सम्मान करना सीखो।